हेलो दोस्तों, सब लोग प्यार जुड़ू। जी हाँ दोस्तों, आज देख सकते हैं मुझे जेएसडब्ल्यू स्टील के बारे में बात करेंगे, देखेंगे थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म से सीम में देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल देख लीजिए आप लोग डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट है, देख सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे एक नीचे से हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाकर मार्केट अच्छा खासा अपसाइड गया, फिर उसके बाद रिट्रेसमेंट करने के लिए आया, फिर उसके बाद ऊपर निकाला अच्छा खासा। देख सकते हैं वॉल्यूम भी अच्छा खासा था यहाँ पर, देख सकते हैं वॉल्यूम भी अच्छा खासा निकाला। उसके बाद अपसाइड में जाकर थोड़ा सा होल्ड मार रहा अपसाइड के लेवल पे, तो क्या रहेगा नीचे का लेवल जिसमें सपोर्ट रहेगा, क्या अपसाइड का रहेगा मोमेंटम, सब बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहना है, आराम से समझना है क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है, कहाँ पर है आप लोग का स्टॉक, कहाँ पर आप लोग होल्ड किए हो बता सकते हैं, और किसी भी तरह का और स्टॉक है तो कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए जरा सा देख सकते हैं कि हम लोग इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लाते हैं। जी हाँ, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लाकर समझने का प्रयास करेंगे क्या रहेगा नीचे का लेवल। जी हाँ, तो बहुत बेहतरीन तरीके से नीचे का लेवल होल्ड कर रहा है मार्केट, तो उसी लेवल को हम लोग, जी हाँ, तो उसी लेवल को ध्यान में रखकर हम लोग देखेंगे कि किस तरह का मार्केट अपसाइड में मोमेंटम बना सकता है, क्या रहेगा नीचे का लेवल, अगर आता है तो बाय बनेगा या सेल बनेगा। तो देख सकते हैं कि जैसा कि नीचे यहाँ पर लेवल एक बना हुआ है मार्केट का, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए। जी हाँ, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे में सपोर्ट बन के आ रहा है इसका। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ज्यादा बेहतरीन सपोर्ट है इसका, इस लेवल के आसपास बहुत ज्यादा सपोर्ट है। तो मार्केट इसी लेवल पे, देख सकते इसी लेवल के आसपास अभी तो होल्ड कर रहा है मार्केट, इसी लेवल के आसपास होल्ड कर रहा, तो थोड़ा सा और कोई दिक्कत नहीं, नीचे यहाँ पर भी इस लेवल तक भी आ जाए, 785 के लेवल तक भी मान के चल सकते हैं कि आ सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जेएसडब्ल्यू स्टील में। जी हाँ दोस्तों, जब तक 785 होल्ड करता आप लोग वो स्टार्ट ऊपर के लिए इंटैक्ट रही है। जी हाँ, तो फिलहाल के लिए थोड़ा सा देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल अपना किस तरह से चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में हम लोग टाइटन दिए थे, टाइटन दिए थे 2800 के लेवल पे। फिलहाल के लिए आज देख सकते हैं कि 3100 के आसपास आ चुका है, और देख सकते हैं शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म, देख सकते हैं मीडियम टर्म का 3100 टारगेट और हिट कर चुका है, ओनली लॉन्ग टर्म टारगेट अब बचा है। तो इस तरह का हम लोग ट्रेड देते हैं, और फिलहाल के देख सकते हैं डिवीज लाइव भी आज अच्छा खासा अपसाइड में चला, 5% अप गया है, 3400 पे दिए थे 3760 का हाई लगा, आज 5% अप है। देख सकते हैं कि क्लियर चार्ट के साथ हम लोग शेयर किए थे कि बाय एट करेंट मार्केट प्राइस 50% एंड और 30, अगर 50% 3000 के आसपास आता है तो और बाय करेंगे। जब देख सकते हैं यहाँ पर चल रहा था 3400 के आसपास, तो वहां से हम लोग दिए थे और लगभग अभी 3700 पार कर चुका है। तो इस तरह का ट्रेड हम लोग प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में देते हैं, और देख सकते हैं यहाँ पर प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में अगर क्या क्या मिलता है आप लोग को, देख सकते हैं कि प्राइवेट एग्जाम चैनल में हम लोग बैंक निफ्टी का भी ट्रेड लेते हैं। देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी का आज हम लोग ट्रेड लिए, जो कि 284 के ऊपर बोले बाई कर लीजिए, 210 से 330 का टारगेट रहेगा, एसएल 270 छोटा सा एसएल लगाकर 10 से 15 पॉइंट का एसएल लेकर लगाकर 30 से 50 पॉइंट का टारगेट बनाया। और देख सकते हैं कि 2 मिनट में देख सकते हैं 310, 320, 325, 330, 342 और 365 तक का भी टारगेट आया। जी हाँ, तो 330 तक भी होल्ड करने वाले होल्ड किए, 360 तक भी बुक किए प्रॉफिट। तो इस तरह का हम लोग को प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में आप लोग को अपडेट देते हैं, आराम से देख सकते हैं 2500 में लाइफ टाइम के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं। फिलहाल के लिए भी टेलीग्राम चैनल फ्री है, देख सकते हो ये टेलीग्राम चैनल फ्री है, तो इसमें भी आप लोग अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। देख सकते हो पीएसयू बैंक में भी हम लोग ने 54%, महाबैंक में बनाया है, आईओबी में भी 4.5% चल रहा है होल्डिंग में। देख सकते एचडीएफसी, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, जी हाँ एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लाइफ दोनों आज अपसाइड में नीचे और अपसाइड डाउन साइड में चल रहा था। एचडीएफसी लाइफ भी आप लोगों के सामने शेयर किए थे, देख सकते हैं एचडीएफसी लाइफ भी शेयर किए थे, सीडीएसएल भी शेयर किए थे आप लोगों के सामने इसी टेलीग्राम चैनल में फ्री में। देख सकते हैं कि हम लोग ने एडेड बताया था, एडेड सीडीएसएल एट करंट मनी पड़ा 10:26 और उठा लो टाइमिंग सही है तो बोलकर, देख सकते हैं 10:27 पे आसपास चल रहा था, और वहां से देख सकते हैं आज कितने पर आ गया है सीडीएसएल, 10:17 हम लोग बनाए थे पोजीशन, और देख सकते हैं कि 1120 तक भी, 1200 तक भी पहुंच चुका, तो 1200 तक भी पहुंच चुका है सीडीएसएल। तो इस तरह का मोमेंटम, एचडीएफसी लाइफ भी आप लोग के साथ शेयर किए थे कि आप लोग एचडीएफसी लाइफ को बाय कर लीजिए 725 के, देख सकते हैं एचडीएफसी लाइफ भी आप लोगों को दिए थे कि बाय कीजिए, 625 के आसपास अराउंड चल रहा था। देख सकते चार्ट ऊपर में मिल जाएगा, जी हाँ सो चार्ट अगर आप लोग देख जाना चाहेंगे तो ऊपर में मिल जाएगा चार्ट बैंक, जी हाँ सो एचडीएफसी बैंक का आप लोग को मिल जाएगा चार्ट, एचडीएफसी लाइफ का, देख सकते हैं एचडीएफसी लाइफ का हम लोग कहाँ दिए थे शेयर। देख सकते हैं कि ब्रेकआउट जोन क्लियर आप लोग के साथ चार्ट शेयर किए थे, सप्लाई जोन बताए थे और ब्रेकआउट जोन 625 के आसपास, तो ये हम लोग जी हाँ सो ब्रेकआउट पे काम करते हैं, और 6 से 7 मन का व्यू दिए थे, लेकिन फिलहाल 700 से 771 का है 6 से 7 मन का व्यू, लेकिन 700 लग रहा है एक सप्ताह के अंदर टारगेट
हिट कर देगा एचडीएफसी लाइका। तो इस तरह का हम लोग शेयर देते हैं, पीडी लाइट भी देख सकते हैं चार्ट के साथ, जो भी शेयर करते हैं हम लोग प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में लॉजी के साथ शेयर करते हैं या पब्लिक में भी, तो आप लोग अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर टेलीग्राम जी हाँ, तो टेलीग्राम का लिंक कॉमेंट में मिल जाएगा, वहां से आप लोग कॉमेंट में से लिंक में अगर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं किस तरह का ट्रेड वगैरह हम लोग लेते हैं। अगर प्राइवेट मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो जी हाँ, यहाँ पर जाकर मैसेज भी कर सकते हैं कि प्राइवेट मेंबरशिप में इंटरेस्टेड है, बस 2500 दीजिए, पेमेंट कीजिए और जुड़ जाइए, वहां से लर्निंग के साथ अर्निंग शुरू कर दीजिए। क्योंकि हम लोग जो भी देते हैं यहाँ पर चार्ट के साथ देते हैं, देख सकते हैं कि जो भी दिए हम लोग चार्ट के साथ शेयर किए हैं। एसडीबीएल भी देख सकते हैं 155 पे दिए थे, 307 का हिट कर चुका है, देख सकते हैं एसडीबीएल भी हम लोग किस तरह का पैटर्न के साथ। तो लर्निंग के साथ अर्निंग करना है तो जुड़ जाइए, फिलहाल के लिए अभी 2500 है। अगर मार्केट में अपसाइड और मोमेंटम होता है तो अच्छा खासा हम लोग फीस भी बढ़ा सकते हैं, हो सकता है कि 5000 पे भी फीस चल जाए। तो अभी फिलहाल के लिए 50% ऑफ चल रहा है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं, आप प्रॉफिट ले सकते हैं। उसी तरह से हम जीएसडब्ल्यू का हम लोग चार्ट आप लोगों को दिखाएं डेली टाइम फ्रेम पे किस तरह का चल रहा है मोमेंटम। सीडीएस जैसे सीडीएसएल को आप लोगों को बताया था, उसी तरह से देख सकते हैं कि जीएसडब्ल्यू भी चल रहा है, नीचे से इन्वर्टेड हैंडल सोल्ड बनाकर अपसाइड में गया, फिर नीचे रिट्रेसमेंट करके आया, फिर ऊपर में अपसाइड में, फिर यहाँ पर होल्ड मार रहा है अपसाइड के आसपास, जी हाँ अपसाइड के आसपास। तो हम लोग का एक नीचे में जो बना हुआ है जी व्यू, जो नीचे में जो एक व्यू बना हुआ है 600 785 के आसपास, तो ये हम लोग को ये ध्यान में रखकर इसको होल्ड करना है जी। तो बड़े टारगेट के लिए अगर आप लोग चाहते हैं तो 825 से 850 के लिए इसको जी हाँ दोस्तों पोजीशन थोड़ा सा बना सकते हैं। एक एक मंथ के अंदर हम लोग को टारगेट आ जाएगा जी, एक मंथ बहुत है, एक मंथ के अंदर टारगेट आ जाएगा 825 से 50 तक, 835 से 50 का टारगेट आ जाएगा, देख सकते हैं। क्योंकि धीरे धीरे जी हाँ सो धीरे धीरे चल रहा है अपना सपोर्ट लेकर, धीरे धीरे सपोर्ट बना रहा है, धीरे धीरे देख सकते हैं जो अपना टारगेट है बना रहा है, धीरे धीरे अपसाइड में चल ही रहा है। देख सकते हैं कि जो ब्रेकआउट हुआ था उसके बाद टारगेट जो बनाए थे उसके पास आया, फिर उसके बाद रिट्रेसमेंट करने आया, फिर अपसाइड बना, फिर थोड़ा ऊपर गया है, फिर रिट्रेसमेंट करने आ रहा है, फिर इसी तरह से धीरे धीरे चलता जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जेएसडब्ल्यू स्टीन बेहतरीन स्टॉक है, बेहतरीन तरीके से चल रहा है, अपसाइड का मोमेंटम बना हुआ है, इंटैक्ट रही है टारगेट के लिए अपसाइड का। इसके साथ देख सकते हैं जेएसपीएल भी अच्छा खासा 3-4%, 5% अपसाइड में है, टाटा स्टील भी मोमेंटम है। तो अभी मेटल सेक्टर थोड़ा बहुत मोमेंटम में है, तो उसी तरह से आप लोग भी चार्ट देखिएगा तो क्लियर समझ में आ जाएगा किस तरह का व्यू है। देखिए चार्ट और समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरह का मोमेंटम है, स्टॉक है क्या है नहीं है। तो टारगेट इंटैक्ट रखिए, अगर थोड़ा सा और लंबा रखना चाहते हैं तो टारगेट 900 के लिए भी इंटैक्ट रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपसाइड में भी जा सकता है। तो इसी तरह से सपोर्ट के साथ रेजिस्टेंस को धीरे धीरे तोड़ते हुए, सपोर्ट बनाते हुए धीरे धीरे जेएसडब्ल्यू अपना निकलते जाएगा। तो यहाँ से क्रॉस किया तो अब यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट लिया है, उसके बाद धीरे धीरे अपसाइड का मोमेंटम बनेगा। तो इसी के तरह हम लोग और भी चार्ट शेयर करते रहते हैं आप लोगों को टेलीग्राम के साथ, तो टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं अगर आप लोग इसमें प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। तो बहुत सारे स्टॉक इसमें बहुत सारे फट रहे हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि एचयूएल भी 5% दे गया, एचडीएफसी लाइफ भी आप लोगों के साथ जो शेयर किए 625 के आसपास वहाँ हम भी उठाए हैं, 8% दे रहा है। सीडीएसएल आप लोगों के साथ शेयर किए उसी तरह से 18-17% दे रहा है, एचयूएल भी आप लोगों के साथ जो 2620 के आसपास जो आप लोग को बताया देख सकते हैं वहीं पर हम भी लोग उठाए हैं, और वहाँ से भी हम लोग को हैवी क्वान्टिटी है, इस कारण से 5% का रिटर्न दे रहा है। तो इस तरह का आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग ट्रेड लेते हैं लॉजिक के साथ। तो लॉजिक के साथ ट्रेड करना है तो जुड़ जाइए, और बाकी के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, किसी और वीडियो के साथ। यहीं और आप लोग अपना बता सकते हैं कि कहां पर आप लोग जेएसडब्ल्यू लिए हैं और क्या लेना चाहते हैं, या अगर बाय बनाना चाहते हैं तो बाय बना सकते हैं इसी सपोर्ट के, 785 के सपोर्ट से बाय बना सकते हैं 835 से 50 के टारगेट के लिए, अगर है तो कहां पर है। और किसी भी तरह का क्या स्टॉक है और सीडीएस वगैरह है तो कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो, तो बने चबा स्टॉक के लिए, बाय बाय।